हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये देखिए, मैंने ट्रे लिए हैं, वेस्ट मटेरियल लिए है। आज हम फ्री के ही गार्डन शुरू करने वाले हैं। अगर आपके पास पौधे नहीं हैं, प्लांटर नहीं है, तो फिर आप ये वीडियो देखिए और जान जाइएगा कि हम फ्री के भी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो ये मेरे देखिए मिट्टी में रेडी कर चुकी हूँ, एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा गोबर की खाद। और यहाँ पे जो ट्रे होते हैं सब्जी मंडी से मिल जाते हैं, जैसे कि वेस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे फेंके हुए भी रहते हैं, या फिर मांगने से या फिर कुछ पैसे दे देंगे तो हमें मिल जाते हैं। तो ये देख रहे, बहुत छेद होती है इसमें, जाली बनी हुई रहती है। तो हमारे जो घर पे बोरी होते हैं वो हम अच्छी तरह से ऐसे बिछा लेंगे चारों ओर, क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो बाहर ना जाए। आप देख सकते हो इसमें बहुत सारी जो ट्रे है उसमें जाली बनी हुई है। तो बोरे हम जब बिछा देंगे ये बोरी, तो मिट्टी हमारे इस पर रह जाएंगे, तो हम इसमें बहुत आसानी से पौधे लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये है सेवंती के प्लांट, गुलदाउदी, चंद्रमल्लिका। इस पौधे को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसमें विंटर में बहुत ही अच्छे फूल खिलते हैं। तो मैं इसकी अच्छी तरह से फिर से रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये जो पौधे लगे हुए थे इसी ट्रे में लगे हुए थे, तो इसकी मिट्टी बहुत हार्ड थी, मम्मी लगाई थी। तो मम्मी को सॉफ्ट मिट्टी बनाने नहीं आती है, तो मैं सॉफ्ट मिट्टी बनाकर फिर से इसे खाद उद अच्छी तरह से दे दी। और अब एक दो महीने, एक डेढ़ महीने में इनकी अब कटिंग भी लगाई जाएगी, और इसमें बहुत सारे भर भर के फूल आएंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से देखभाल की ज़रूरत है, इस पौधे को, गुलदाउदी के पौधे को। तो आप देख सकते हो मैं इसे बहुत 5-6-7 पौधे इसमें होंगे, सब इसमें मैं थोड़ी दूरी दूरी पे लगा दी। और इसे अब अगर हम ये लग जाएंगे तो फिर हम इसको पिंचिंग करके बहुत घना बना सकते हैं और फूल भी बहुत सारे पा सकते हैं। और इसे लगाने के बाद 2 दिनों तक मैं इसे छाया में रखूँगी, उसके बाद इसे धूप में शिफ्ट कर दूँगी। और हमें इसमें फिर करना क्या होगा, सिर्फ गुड़ाई करके, और हर महीने हमें खाद देनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी, तो विंटर में इसमें बहुत अच्छे फूल खिलेंगे। तो मैं तो यहाँ से चली जाऊँगी, तो इसलिए मैं इसे अच्छी तरह से रिपोर्टिंग कर दी मिट्टी बनाकर, और जो कुछ भी इसमें कमी होगी वो मम्मी थोड़ी बहुत करते रहेगी। तो दोस्तों, हम ऐसे फ्री के गार्डन कर सकते हैं, फ्री के पौधे भी हमारे आस पास। आप देखिए, वेस्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ पड़ी होती है जो हम थोड़ी सी सोचे और दिमाग लगाए तो हम पौधे लगा सकते हैं। तो देखिए, लगाने के बाद अच्छी तरह से पानी दे देना। आप तो ये देखिए फ्री के ही हैं, है ना। आसपास कहीं भी कटिंग मिल जाए आपको तो वो फ्री के पौधे रेडी हो गए। हमारे घर पे ही वेस्ट मटेरियल बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं, आटे के पैकेट है, बिस्किट के पैकेट, सर्फ़ के पैकेट आपको कहीं से भी मिलते हैं, घर से ही मिलेंगे, कहीं से नहीं, घर से ही मिलेंगे। तो उसमें आप छेद करिए, हॉल बनाना बहुत ज़रूरी है। और मिट्टी हमें सॉफ्ट बनानी है, हमेशा मैं बोलती हूँ मिट्टी कैसा बनाना है, उसके बाद हम इसमें पौधे लगा सकते हैं। तो ये मेरे तो फ्री के ही रेडी हो चुके हैं पॉली बैग, और इसमें मैं लगाने वाली हूँ वेजिटेबल्स। जो पोई साग होते हैं ना, वो बीज से मेरे यहाँ पे खेत है, वहीं पे खुद से ग्रो हो गए थे। तो इसे पॉलीबैग में मैं शिफ्ट कर रही हूँ। ये देखिए, दो पौधे में लगाऊंगी। तो इसमें भी वही करना है, सेम प्रोसेस। हर महीने गोबर की खाद गुड़ाई करके देना है और पानी देना है, और इसे सपोर्ट देना है। यहाँ पे एक डंडे भी बहुत लंबी लंबी इसमें लगा दूँगी स्टिक, जो ये पोई साग है ये लंबी होगी, बढ़ेंगे तो फिर हम इसको हार्वेस्टिंग करेंगे। तो देख सकते हो आप, फ्री के ही हम गार्डन बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं दोस्तों, यकीन करिए, फ्री के ही रेडी हो जाएंगे। और देखिए, पानी दे देने के बाद फिर हमारे पौधे लग जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।